एक बार फिर वेलकम है सारे का एम कैन इमीग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम प्रतिपाल सिंह गिल। आज कुछ बच्चों की क्वेरी सी, एक तो ए आई पी नू लैके कि ए आई पी स्लो आ रहे हैं और खाता कौन गए, दूसरा वी एफ एस कद खुलूगा, यदा क्वेश्चन बार बार स्टूडेंट्स रेज करते हैं। नाल दी नाल थोड़ी जी गल रिफ्यूजल की भी सी, वह भी मैं करूँगा, और 20th तो बाद जी ट्रैवलिंग आदि बारे भी थोड़ा जहा आप गल करांगे कि कब तुहानू दी प्लैन बनाउणी चाहीदी है। सब तो पहला तो आप गल करते हैं जिहड़े, और मैं ये भी गल करूँगा दे विच कि कैनेडा दे विच कोविड की सिचुएशन की है, क्योंकि कैनेडा की सिचुएशन के उपर बहुत चीज़ें डिपेंड करदियां ने, खास तौर से वी एफ एस का खुलना। कैनेडा दे विच जिहड़े कोविड के केसिज ने थोड़े जे सर्ज ते ने, मीनस वध रहे ने, वो ये ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं टोरंटो ते मोंट्रियल। मोंट्रियल भी हले इन्ना नहीं है, टोरंटो ब्रैम्पटन एरिया के जिहड़े नंबर ऑफ केसिज ने पर डे वो ज़्यादा देखने मिल रहे हैं। ईवन जब पीक से करोना मार्च अप्रैल के उदों भी पर डे के केसिज इन्ने नहीं जिहड़े हुण आ रहे हैं, बट चंगी गल यह कि इन्ने फेटल नहीं है जिन्ने उस टाइम देखने को मिले थे। मोर्टैलिटी रेट बहुत घट हैगा वा केसिज दे विच, और बहुत जगह पर जिहड़े कोविड की सिचुएशन और लैवल ऑफ हो रही है। जिहड़े बीसी दे एक फिजिशियन ने जिन्होंने गल कही सी, कही आ कि जो सानू अंदेशा सीगा भी सैकेंड वेव ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, जिदे विच नंबर ऑफ केसिस बहुत बढ़ सकते हैं और मोर्टैलिटी रेट ज़्यादा हो सकता वा, वो देखने नहीं मिल रहा है। हुण स्कूल पिछे जे खोले सी इन्होंने बहुत सारे प्रोविंसेस दे विच, वो स्कूलों दे विच खुलण तो बाद कोविड के केसिस जरूर बढ़े ने, बट जिहड़ा कम्यूनिटी ट्रांसमिशन का एक खतरा सीगा वो नहीं देखने मिल रहा है। सो दिस इज़ ए गुड न्यूज़। नाल दी नाल जिहड़े स्प्रैड हैगी कोविड की, वो उस तरीके नहीं हैगी जिहड़ी वो सोच रहे थे, बट अगेन सब ये जिहड़ा आ महीना हैगा अक्टूबर का और नवंबर का, यह बड़ा क्रूशल मंथ होगा, ये डिसाइड करूगा कि अगे सिचुएशन इंडिया दे विच जिहड़ी वी एफ एस के खोलण के आसार की बनते हैं। जिदा मैं दस्या सी लास्ट वीडियो दे विच भी कि कैनेडा दे विच कोविड की सिचुएशन किदा बनती है, उत्ते बहुत कुछ डिपेंड करता कि अपना वी एफ एस क्यों खुलू, कद खुलूगा। स्टूडेंट बहुत बार पुछते हैं कि यूके का खुल गया, बाकी जगह का खुल गया, देखो हर हर एक गवर्नमेंट का आपका आपका डिसीजन हैगा वा। कैनेडियन गवर्नमेंट बहुत प्रिकॉशन ले रही है हैल्थ को लैके, जो उत्थे दे लोग हैगे ने इंटरनेशनल स्टूडेंट के कोल, क्योंकि हैल्थ की कवरेज इन्नी ज़्यादा नहीं होंगी हैगी, तो समटाइम्स ये चीज़ उन्होंने रिस्की हो सकती है, एंड जो मैडिकल है काफ़ी एक्सपेंसिव है कैनेडा दे विच। सो ये सारी चीज़ों उर रखते हुए ही वह ये डिसीजन ले बैठे ने। हुण जिहड़ी सैकंड वेव का डर बनया होया वा कि वह सैकंड वेव ज़्यादा वड्डी आ सकती है और मोर्टैलिटी रेट ज़्यादा हो सकता वा, फिलहाल वो नहीं देखने मिल रहा। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़। और ईवन ओंटेरियो के जिहड़े चीफ मिनिस्टर ने टोरंटो एरिए दे, उन्होंने भी ये कहा मिस्टर फोर्ड ने कि असी जिदा डर सी पहला कि जो पार्शल लॉकडाउन लगाना शुरू किया कि फिर दोबारा तो लॉकडाउन ना देखने मिले, मार्च वाली सिचुएशन अप्रैल वाली दोबारा देखने मिले। उन्होंने साफ किया वा कि असी बिजनेस बंद नहीं करांगे, ईवन वो बिजनेस जिथे ज़्यादा लोग आते हैं जिमें कि रेस्टोरेंट से होटल का बिजनेस आ, जिन्होंने काफ़ी मार झेलनी पई सी ये कोविड के लॉकडाउन करके। उन्होंने साफ किया वा कि असी इन बिजनेस बंद नहीं करांगे ताकि इहदा बैड इंपैक्ट ना पवे। और जिदा मैं गल की आ कि ये जिहड़ा इहदा मोर्टैलिटी रेट आ कोविड का, जिहड़ा इस टाइम देखने को मिल रहा काफ़ी देखने को मिल रहा वा काफ़ी लो आ, और जे लोग ठीक हो रहे हैं उन्होंने रेशियो 90% प्लस आ, हालांकि वर्ल्ड ओवर ही हुण ये जी रेशियो बढ़ रही है। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़। अगर कोविड की सिचुएशन कैनेडा के अक्टूबर नवंबर के चंगी रहती है, उस तरीके सिचुएशन नहीं डिवेलप होंगी जो अंदेशा लाई बैठे ने, तो अपना वी एफ एस खोलण के चांस उन्ने ज़्यादा ब्राइट हो सकते हैं। जिहड़े स्टूडेंट बेचारे बहुत देर तो वेट कर रहे हैं ए आई पी लैके, उन्होंने ये ड्रीम जनवरी के कैनेडा जाके पढ़न का पूरा हो सकता वा, बट अगेन कोई सैट डेट नहीं हैगी। बहुत लोग अंदाजा लगा रहे हैं 20 अक्टूबर तो बाद या 1 नवंबर तो बाद, कोई ऐसी सैट डेट नहीं हैगी, डिपेंड करता एंटायरली कोविड की सिचुएशन फरदर अक्टूबर और नवंबर के महीने के कैनेडा में कि डिवेलप करती है। दूसरी जी हूँ 20 अक्टूबर तो उन्होंने रिलैक्स किए ने अपने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन स्टूडेंट्स लिए, बारे भी मैं कुछ गल करनी, स्टूडेंट्स ने पूछा सीगा तुसीं अपनी हले कोई भी ट्रैवलिंग प्लैन ना बनायो जब तक गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा की वैबसाइट से, इमीग्रेशन कैनेडा की वैबसाइट के उपर तुहाडे इंस्टीट्यूट के नाम नहीं डिस्प्ले हो जाते। 20 अक्टूबर तक वो डिस्प्ले हो जाने ने, जिन्ना इंस्टीट्यूट्स ने कॉलेज यूनिवर्सिटीज ने अपनी कोविड 19 रेडनेस प्लैन तैयार कर ली होगी,
उस तो बाद ही तुसी अपने इंस्टीट्यूशन नाल गल करन तो बाद ही तुसी अपनी ट्रैवलिंग प्लान बनायो, दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट। नाल भी आ स्टूडेंट्स से जेडे इमीडिएट फैमिली मैंबर्स ने उन्होंने परमिशन दी है उन्होंने ट्रैवल करन दी, बट तुहाडी जिहड़ी तुहाडा जिहड़ा ट्रैवलिंग आ वो बहुत कंपलसरी होवे, बहुत जरूरी होवे, नॉन डिस्क्रिशनरी होवे। ये गल का खास ख्याल रखियो, माँ बाप ट्रैवल कर सकते हैं बट ये गल जरूरी है नाल कि उन्होंने को वीज़ा होवे, पासपोर्ट से वीज़ा स्टैंप होया होवे तां ही वह ट्रैवल कर सकते हैं, और उन्होंने जी वजह वा वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी होवे। इस तो बाद रिफ्यूजल्स बारे स्टूडेंट्स ने पूछा सीगा, रिफ्यूजल्स हुण घट देखने मिल रहे हैं, सानू शुरू जरूर थोड़े देखने मिले ने, बट हुण जिहड़े केसिज ने साडे कोल तां खास तौर ते मैं कहूँगा मेरे को सिर्फ 5% रिफ्यूजल ही आए हैं, 95% सक्सैस रेट हैगा वा। ओवरऑल मैं गल की थी कि 65% के लागे ही सक्सैस रेट रहना हों हर साल पिछले 2-3 सालों तो उन्ना की रहने की उम्मीद हैगी है, बट चंगी गल यह है कि जेडे नॉन एसटीएस जनरल कैटेगरी के केसिस सीगे उन्होंने जरूर इस बार सक्सैस रेट ज़्यादा वधी है, AIP ज़्यादा आए हैं, साडे कोल रेगुलर AIPs आ रहे हैं, हालांकि बहुत स्लो ने, कदे एक आ गया कदे दो आ गए, किसी किसी दिन नहीं भी आता। इस फ्राइडे नूं 2 दिन पहला साडे कोल 2 AIPI स्टूडेंट से, दोनों के एक स्टूडेंट SDSC का एक नॉन SDSC का, और दोनों के मल्टीपल रिफ्यूजल सके 5-5, 6-6 बार, तो इदा के बहुत सारे अपरूवल देखने को मिल रहे हैं। सो दिस इज़ अगेन ए गुड न्यूज़ कि जेडे तुहाडे एवरेज केसिस सके जिन्हें स्टूडेंट्स एकेडमिक थोड़ा जहा पुअर सगा या एक दे 5.5 बैंड से उन्होंने भी AIPs इशू हो रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ रियली गुड। जनवरी इनटेक हले भी ओपन हैगा वा, तुम जनवरी इनटेक की एप्लीकेशन पा सकते हो, जेडे स्टूडेंट्स तैयार ने उन्होंने को अपने फंड्स है इस गल जरूर ख्याल रखियो, जिन्हें स्टूडेंट्स को फंड आपके नहीं है वो हले जरूर वेट कर लैन जब तक सिचुएशन पूरी तरह ठीक नहीं होंगी हैगी। मई इनटेक की एप्लीकेशन भी बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज ने लैनिया शुरू करती कैनेडा च, उसके भी एप्लीकेशन पाना चाहते जरूर पा सकते हो। UK दी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज असं रिप्रजेंट करते हैं, UK की वीज़ा सक्सैस रेट भी चंगी है, थोड़ा इंग्लिश का लैवल जरूर चक्या उन्होंने 5 अक्टूबर के रूल्स ज चेंज होने तो उस बाद, बट अदरवाइज वीज़ा सक्सैस रेट UK के चंगा वा। तो बाकी तुसीं साडा ये फेसबुक का यूट्यूब का जिहड़ा साडा चैनल आ ये जरूर सबसक्राइब करो, फेसबुक का पेज साडा लाइक करो, साडे एड्रेसिस देखना चाहते हो साडी वैबसाइट हैगी mcanimigration.com उत्थे चैक कर सकते हो, सानू फोन थाई कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वट्सएप थाई कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, सानू मैसेज पा सकते हो, साडी वैबसाइट के उपर मैसेज बॉक्स हैगा वा, मैनू मिलना चाहते हो जरूर तुसीं अपॉइंटमेंट लैके मैनू भी मिल सकते हो। आई होप इनफॉर्मेशन थोड़े लिए सारे लिए यूजफुल होगी। थैंक यू, सत श्री अकाल सारा।